रचना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजमा बनाने सिखाऊंगी। देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और हम इसमें तेल डालेंगे। देखिए, हम तेल डाल रहे हैं अब हमारे यहाँ। अब हमने ये प्याज लहसुन अदरक काट लिया है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए, अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच। चलेगा। उसके बाद फिर हम उसमें लहसुन डालेंगे। देखिए, हमने लहसुन डाल दिया है। अभी हमारा थोड़ा लहसुन कलर चेंज हो जाए। देखिए, हो गया। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक डाल दिया है। अब इसमें हम जो हमने प्याज काटा था हम प्याज डाल देंगे इसमें। देखिए, ये हमने पूरा डाल दिया। हमने 2 टमाटर लिए। देखिए, अब हम इसको बारीक काट लेंगे। ये हमारा प्याज भून चुका है। अब हमने टमाटर काट के रखे थे 2, वो हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए, अब हम इसको करछी से चला लेंगे, ढंग से पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, बहुत कम समय में बहुत टेस्टी राजमा बनेगा, देखते रहिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ी सी और डाल देंगे। अभी धनिया डाल दिया हमने 1 चम्मच। अभी थोड़ा सा धनिया और डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप लाल नहीं खाते होंगे तो आप हरी भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल डाल के थोड़ा इसमें रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप तेज खाते होंगे तेज डाल लीजिएगा, हल्का खाते होंगे तो हल्का डालिएगा, जैसा अच्छा लगे। देखिए, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा राजमा मसाला भून चुका है। अब हमने ये राजमा उबाल के रखा हुआ, देखिए कितना बढ़िया उबला है ये। अब हम इसमें ये उबला हुआ राजमा डालेंगे। ये देखिए, ये राजमा थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर बचा हुआ भी राजमा इसमें पूरा डाल देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसमें को ज़्यादा, अगर आपको गाढ़ा अच्छा लगता हो गाढ़ा रखिएगा, और पतला अच्छा लगे तो पतला करिएगा। पानी मतलब अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये देखिए, कितना सुंदर कलर आया राजमे का। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा और पतला कर लिया है क्योंकि राजमा ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, अभी थोड़ा जलेगा पानी। ये देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आ रहा है ये। वाओ, देखिए। अब हमने धनिया काट के रखा हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया, बहुत टेस्टी बना है राजमा। अब इसको हम कटोरी में निकाल रहे हैं। देखिए, वाओ। प्लीज़, अगर आपको पसंद आया हो ये राजमा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको। ये देखिए, थैंक यू गाइस।